महिला पुलिस थाना हांसी ने 376 आईपीसी 34/392/506/323 के तहत एफआईआर दर्ज की है जिन दोषियों के खिलाफ। उनको एक लड़के को अरेस्ट कर लिया है, वो भी प्रेशर में अरेस्ट करके उसको आज दो दिन के बाद अरेस्ट, दो दिन पहले हो गया लेकिन आज दो दिन के बाद माननीय अदालत में पेश किया, माननीय अदालत में पेश करके उसको जेल भेजा गया है। लेकिन आज सुबह सुबह पीड़ित परिवार के घर पे शादी वर्दी में हांसी से दो पुलिस कर्मचारी नोटिस लेके गए, जबकि 376 की एफआईआर दर्ज होगी। लड़की ने मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिए, लीगल हेड को बयान दे दिए, एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस को सारी जो कार्रवाई करनी थी वो कर ली। तो ये बात में किस तरह के कोई प्रावधान नहीं है नोटिस का, जिस तरह के नोटिस पुलिस लेके जा रही है सीधी सीधी ये है, ये परिवार को और लड़की को प्रताड़ित करने का पुलिस का षड्यंत्र है। और मेरी कड़े शब्दों में ये मांग है कि हांसी पुलिस एफआईआर में जो महिलाएं हैं, जो उनकी माँ है, बहनें हैं, जो बच गई, जो दोषी है इसको पीटने के अंदर, उसका पूरा सहयोग करने के अंदर उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और परिवार को जिस तरह से कल भी धक्के मारे गए महिला थाने में, जिस तरह से प्रताड़ित पुलिस हांसी पुलिस कर रही है, अगर परिवार के साथ कोई भी मानसिक प्रताड़ना के चलते कोई अनहोनी या ट्रेजरी हो जाएगी तो हांसी पुलिस जिम्मेदार होगी। मैं कड़े शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ। वकील साहब, आपका प्रशासन और सरकार पर विश्वास नहीं है? देखिए, इस टाइप के महिलाएं टाइप के मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट डायरेक्शन है, पूरे देश के अंदर महिलाओं के लिए अलग कोर्ट बनी हुई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस है ना पिछले तीन दिन से क्या दर्शाना चाहती है इसमें इतना डिले करके। पुलिस सीधे सीधे ये चाहती है आरोपियों को बचाना चाहती है, पुलिस इतना डिले करके पुलिस सीधे सीधे आरोपियों को बचाना चाहती है। मेरा ये पुलिस पे आरोप है, इन सवालों का जवाब पुलिस के प्रवक्ता दें। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जल्दी से जल्दी कल तक इन जो एफआईआर के अंदर बच गए उस लड़के के बाद में जो महिलाएं हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस जो पीड़ित परिवार है इसको तंग ना किया जाए। कल तक गिरफ्तार नहीं होगी फिर आप क्या करोगे? हम आगे की रणनीति अपनाएंगे, कोई आंदोलन की बात आएगी तो उसे ही पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी, मैं पीड़ित लड़की का चाचा हूँ। आज सुबह पुलिस नोटिस लेकर आई है सिविल ड्रेस में, उनको कहा कि लड़की को दोबारा थाने ले आना और लड़की को बार बार हमको तंग करें। जब लड़की के सारे बयान हो लिए और लड़का वो दोषी है उसको तो पकड़ दिया जेल भेज दिया, एक उसकी मार, दो उसकी बहनें, उनको बचाना चाहते हैं पुलिस और हमारे को बार बार दबाव डाल रही है हमारे पर। आपका नाम क्या है जी? हमारा नाम राम मेहरा जी, मैं लड़की का चाचा हूँ जी।